आज हमारे और प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में कोरोना की जो एक महामारी है इसके तहत लोग दुनिया में जूझ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, फार्मेसी है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मी है, प्रशासनिक अधिकारी है और प्रशासन और प्रशासक महोदय का यहाँ से तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज हमें इस महामारी से भय के वातावरण में से हमें मुक्त करा किया गया। अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन हम लोग सावधानी रखेंगे। यही के साथ मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करना चाहूँगा जैसे मोहन भाई जी की पहचान के लिए कोई मोहताज नहीं है मोहन भाई, फिर भी हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना चाहूँगा जो आज लोगों के बीच में आप मीडिया के माध्यम से कि दादरा नगर हवेली जनता दल यूनाइटेड, दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव जनता दल यूनाइटेड परिवार के साथ दादरा नगर हवेली प्रदेश के लोक लाडिले सात कम के चुने हुए हमारे सांसद श्री मोहन भाई ढेलकर, जिनका साथ जनता दल यूनाइटेड परिवार को मिल रहा है, हम इस बात को लेकर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और आपको सूचित करते हुए हमें बहुत ही और गर्व हो रहा है कि मोहन भाई के नेतृत्व में और जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर एक अच्छा बहुत ही मजबूत अलायंस बनने जा रहा है। इस अलायंस के तहत जनता दल यूनाइटेड दादरा नगर एवं दमन दीव में आने वाले नवंबर महीने के पंचायत, जिला पंचायत एवं म्यूनिसिपल काउंसिल के जितने भी वार्ड, जितने भी हमारे वार्ड हैं, सभी में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जीतेंगे। मैं ये बात इसके दावे के साथ बता रहा हूँ कि मोहन भाई का हिस्ट्री आप सब लोगों को मालूम है। मैं मोहन भाई के बारे में ज़्यादा बताना उचित नहीं समझूंगा, फिर भी आज मौका मिला है मुझे मोहन भाई तो दो शब्द जरूर बताऊंगा। मोहन भाई ऐसे परिवार से आते हैं जिनके पिताजी एक स्वतंत्र सेनानी थे और मोहन भाई के पिताजी हमारे दादरा एवं नगर हवेली के पहले MP भी रह चुके हैं। राजनीति इनके खून में है और सात कम से आज देश की राजनीति में भी आप जाएंगे तो सात कम से अगर कोई आपको लोकसभा में सांसद अगर मिलेंगे तो मोहन ढेलकर के मुकाबले आपको नहीं मिलेगा। मोहन ढेलकर एक ही है। तो मैं फिर से आप लोग बताना चाहूँगा कि दादरा एवं नगर हवेली में मोहन ढेलकर और जनता दल यूनाइटेड दादरा नगर हवेली दमन दीव और मोहन ढेलकर का एक मजबूत अलायंस बनने जा रहा है जो आज बन गया है और आप इस माध्यम से मैं आप सब लोगों को सूचित भी कर रहा हूँ। साथियों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गिरा को तराशने के लिए जमीन की ज़रूरत है। आज मैं इस मंच से बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ऐसे हीरे को जनता दल यूनाइटेड परिवार ने खोज लिया है और हम सभी परिवार के लोग जनता दल यूनाइटेड पूरी पार्टी बहुत खुश है कि आज हमारे साथ नेतृत्व में मोहन भाई ढेलकर जी हैं। मैं जनता दल यूनाइटेड के बारे में आपको दो शब्द बताऊंगा। जनता दल यूनाइटेड ऐसी पार्टी है जो गांधी जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कपूर ठाकुर और अम्बेडकर जैसे महान ज्ञानी लोगों के और देश के जो सेवाभावी लोग हैं उनके नक्शे कदम पर, उनके जो विचारधारा है उसके ऊपर चलने वाली पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड देश में ऐसी एक पार्टी है जो वंशवाद या परिवारवाद से कभी नहीं चली है और कभी भी उन्होंने किसी चीज़ से समझौता नहीं किया है। मैं बताना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं इस मंच से आज हमारे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके अनुमति से और जिनके गाइडलाइन से आज हम लोग यहाँ पे अलायंस कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करूँगा और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी है संजय झा जी और बिहार के जो जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष है वशिष्ठ नारायण सिंह जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे लोकसभा में संसद बनता है जैसे असेंबली में बनता है।
बना है। वैसे नगर हवेली और दादरा नगर दमन दीव में भी तो एंटी डिफेक्शन रूल बना है। यदि आप आप आप, आप सिंपल दोगे ही नहीं तो वो कानून का मतलब क्या है? सरपंच के लिए सर हाँ इनवैलिड हो जाएगा। और नंबर वन, नंबर टू, फिर लोग बल पे या पैसे पे लोगों को खरीद लेंगे, लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे, तो ज़्यादा फिर लोगों को तकलीफ होगी। तो जिला पंचायत और नगर पालिका में तो बाकायदा सारे स्टेट में सिंबल पे ही चुनाव होते हैं। इसके बाद भी प्रशासन और इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला है उसका हम इंतजार करेंगे। सर आने वाले दिनों में चुनाव आ रहा है, उसके लिए अब गठबंधन लड़ेंगे और सारे हमारे प्रत्याशी जो जनता दल यू का जो सिंबल है तीर का, उसी सिंबल पे सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। केंद्र में आपकी आपसी गठबंधन में सरकार इतना सीट में बंटवारा करवा जो हाईकमान बीजेपी हाईकमान या जेडीयू हाईकमान नक्की करे एक साथ में महीने लड़ू तो सीट के लिए इतना वेस्ट हो। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बिहारमां गठबंधन एलायंस एमनू आ अपना राज्य में एमनी साथे आपणो कोई एलायंस नथी। फक्त ने फक्त दादरा नगर अने दमण दीवमां श्री मोहनभाई जेलकर अने जनता दल यूनाइटेड एलायंस छे। अने साथे साथे एटलो उमेरीश के जो अमारो जनता दल यूनो लीडरशीप अने कोई त्यांथी संदेशो मोकले अने कंई तमने सुझाव आपे માન્ય રાખીને આવતા દિવસોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના હાઈકમાન્ડ સાથે પણ નેગોશિએશન કરવું પડે, ચર્ચા કરવી પડે, એક સારો નિર્ણય થઈ શકે તો એના માટે પણ અમને વાંધો નથી। મોહનભાઈ આપ પક્ષમાં જ હજી બી યથાવત રહેશો કે પછી આગળ ગામમાં જવાની જવાની ક્રિકેટ અત્યારે તો અપક્ષ એલપી છું, લોકસભામાં જે એન્ટી ડિટેક્શન રો પ્રમાણે હું કોઈ પાર્ટી જોઈન ના કરી શકું, જોઈન કરું તો મારું મેમ્બરશીપ સીઝ થઈ જાય, મેમ્બરશીપ મારી ચાલી જાય। પણ મારા આવતા દિવસોમાં મારી ઈચ્છા છે જનતા દલ યુ સાથે એસોસિએટ મેમ્બર બનીને સાથે રહીને પાર્લામેન્ટમાં કામ કરું અને દિલ્હીમાં કામ કરવી મારી ઈચ્છા છે અને જેમ સાથે રહીને પાર્લામેન્ટમાં કામ કરું અને દિલ્હીમાં કામ કરવી મારી ઈચ્છા છે અને જેમ મેં ઈચ્છા મારી નીતીશકુમારજી સામે જાહેર કરી છે। બિલકુલ આજે કોઈની સાથે વાતચીત થઈ છે કે ત્યાં કંઈ મિટિંગ રાખવાના છો? અમે નિલેશભાઈ દાદરા નગરની તો આજે ડિક્લેર થઈ ગયું, મેં જે પ્રમાણે કીધું કે દમણ દીવમાં પણ અમે જિલ્લા પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયત અને નગરપાલિકા ચૂંટણી જનતા દલ યુના બેનર હેઠળ લડવા માટે વિચાર કરી રહ્યા છે। અમે બે દિવસના અંદર ત્યાં ચર્ચા કરશું, ત્યાં મેસેજ મોકલશું, ત્યાંના કેટલા લોકો અમારી સાથે ચર્ચા કરશે, કેટલા લોકો જોઈન થશે, કેટલા લોકો ચૂંટણી લડવા તૈયાર થશે, એ તમામ ચર્ચા કરીને અમે બે કે ત્રણ દિવસમાં એનો નિર્ણય લઈશું। સાહેબ અમુક દિવસ પહેલા સર તમે દિલ્હીમાં એક મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો તમારી સમસ્યાનો અને એ સમસ્યા હલ ન થાય તો તમે ત્યાગપત્ર આપવાની વાત કરી હતી, હવે એ મુદ્દાને સર કેવી રીતે તમે એ કરશો લાગશે? સમસ્યા હલ તો થવા દો મોહનભાઈ, જેડીયુની એનડીએનો એક અંગ છે, માનો કે પ્રશાસન અહીંયા કોઈ નિર્ણય લે, તમે સહયોગી એના પાર્ટી છો, તમારે એમને કારગર રીતે બી સમર્થન તો આપવું પડશે, જે પણ મુદ્દાઓ છે જે પ્રદેશ હિતમાં હશે તો અમારું પૂરું સમર્થન હશે, પ્રદેશ